Welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 2 by Brain Root Series. And here is a book, children. The name is Literary Journeys. Today we are going to start chapter number 2 and the name is A New Destination. Do you know what is destination? Destination ka matlab hota hai ek naya safar, ek naya rasta. Now children, let's move on to warming up exercise. Change happens to everyone. Jo ye change hai wo har kisi ke saath hota hai. Some people change their hometown in search of a better life. Kuch log kya karte hai, apne ghar ko badal dete hai. Means wo dusri jagah shift ho jate hai apni better living condition के लिए, better life के लिए. Life is constantly changing. Relationships, job, children and family. So life में हर चीज़ लगातार बदल रही है. लोगों के रिश्ते बदल रहे हैं, लोगों की jobs बदल रही है, parents और जो children हैं उन वो बदल रहे हैं, उनकी जो family है वो पहले बिग फैमिली थे, अब स्मॉल फैमिली हो गई. तो ये भी चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं. पहले बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, अब कम बच्चे होते हैं. बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने या फिर जॉब करने. तो क्या हो जाती है, ये चेंजेस हर किसी के लाइफ में आते हैं. फाइंड आउट इफ योर फैमिली मूव्स टू अ न्यू प्लेस, हाउ विल यू फील. अगर मान लीजिए आपकी फैमिली एक नई जगह पर जाती है तो आपको कैसा फील होगा. दिस यू हैव टू टेल. After living several years in Sundarnagar village, one day Ravi's father announced that Ravi and his family would be moving to a new place. तो ये जो स्टोरी है, ये रवि की स्टोरी है. यहाँ पे वो बहुत सालों तक सुंदरनगर विलेज में रह रहे थे और एक दिन क्या हुआ, अचानक से रवि के फादर ने बोला कि हम एक नई जगह पे शिफ्ट होने वाले हैं. They all looked forward to it with great anticipation. जितने भी लोग थे उस घर में, जितने भी members थे, सब इस opportunity को बहुत positive way में देख रहे थे. उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए नई जगह पर shift होके. What would people of new place think of to them? Who would be their new friends? अब वो सोचते हैं कि वहाँ के जो नए लोग होंगे वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हमारे नए फ्रेंड्स क्या कौन होंगे. अब फाइनली द डे केम व्हेन रवीज फादर कॉल्ड देम टू पैक देयर आइटम्स. अचानक से वो दिन आ चुका था जिसका वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे. अब रवि के फादर ने उन सब से बोला कि चलो जल्दी से जो आपके आइटम्स हैं उन्हें पैक कर लो, सारा सामान पैक कर लो. 12 ईयर्स ओल्ड रवि वॉज वेरी हैप्पी. रवि की जो एज थी वो 12 ईयर्स की थी. वो 12 साल का बच्चा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था. आई एम ग्लैड वी आर गोइंग, ही सेड. आई फील क्राउडेड हियर. रवि के मन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी. उसने बोला कि मैं ग्लैड हूँ. ग्लैड मीन्स हैप्पी हूँ. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं. ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, मीन्स यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो मुझे अब यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता. सो दिस ऑल फीलिंग्स वर गोइंग इन हिज माइंड एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. नाउ लेट्स सी वॉट हैपन्स नेक्स्ट. एंड आई डू नॉट हैव गुड फ्रेंड्स ऑल्सो. और यहाँ पे मेरे अच्छे दोस्त भी नहीं हैं. तो ये सारे क्या थे, रवि के थॉट्स थे. रवि's फादर मेड द अरेंजमेंट फॉर द जर्नी. अब रवि के फादर ने पूरे जर्नी का अरेंजमेंट कर लिया था, कैसे ट्रक आएगा, सामान लेके जाएगा, हम कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे उस नई जगह पे. ही हायर्ड 2 हॉर्स कार्ट्स. अब उन्होंने क्या किया, 2 हॉर्स कार्ट्स हायर किए, किराए पे लिए. रवि's मदर पैक्ड क्लोथ्स, क्विल्ट्स, डिशेस, पॉट्स, पैन्स एंड केटल. अब रवि की मम्मी लग गई थी काम में. उन्होंने सारे कपड़े पैक कर लिए, उन्होंने सारी रजाइयाँ, क्विल्ट्स मीन्स रजाइयाँ पैक कर ली, बर्तनों को पैक कर लिया, जितने भी पॉट्स थे घर में खाना बनाने के उन्हें पैक कर लिया, पैन्स को पैक कर लिया और केटल्स को पैक कर लिया. रवि टाइड द काउ, गोट एंड द शीप बिहाइंड द वैगन. अब वो जो हॉर्स कार्ट थी उसके पीछे उन्होंने, रवि ने क्या किया,
जितने भी उनके एनिमल्स थे, फार्म एनिमल्स जैसे कि काउ, गोट या फिर शीप, उन सबको उसके पीछे बांध दिया। द फैमिली सेड गुड बाय टू द नेबर्स, फैमिली ने अपने पड़ोसियों को गुड बाय बोला, एंड टू देयर ओल्ड होम एंड स्टार्टेड देयर जर्नी, और अपने नए घर की तरफ निकल गए। अपने पड़ोसियों को गुड बाय बोला, अपने पुराने घर को गुड बाय बोला और वो नई सफर पे निकल गए। रवि एंड हिज मदर रोड इन वन कार्ट। सो चिल्ड्रन, रवि और उसकी मम्मी एक कार्ट पे बैठ गए, एंड हिज फादर रोड इन द कार्ट लोडेड विद डिफरेंट आइटम्स, और उसके जो फादर थे वो उस कार्ट पे बैठे जिसमें अलग अलग तरीके के आइटम्स को रखा गया था, लोड किया गया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद रवि एंड हिज फादर गॉट डाउन फ्रॉम द कार्ट एंड वॉक्ड अलोंग द कार्ट सो दैट द हॉर्स कुड रेस्ट। अब थोड़ी दूर चलने के बाद क्या हुआ कि जो रवि था और उसके जो फादर थे वो कार्ट से नीचे उतर गए और चलने लगे रास्ते में कहीं, क्योंकि उन्हें हॉर्स को रेस्ट करवाना था। दे ट्रेवल्ड अक्रॉस मीनापुर, अब वो कहाँ तक आ चुके थे, वो मीनापुर तक आ चुके थे। दे कंटिन्यू टूवर्ड्स देयर न्यू डेस्टिनेशन विदाउट एनी ब्रेक, बिना रुके वो अपने नए घर की तरफ, नए सफर की तरफ चले जा रहे थे। फाइनली दे रीच बसंतपुर, अब वो बसंतपुर पहुँच चुके थे। रवि वॉज डिलाइटेड टू सी द ग्रीनरी ऑफ बसंतपुर, बसंतपुर जाके वहाँ की ग्रीनरी, वहाँ की हरियाली देख के रवि बहुत खुश हुआ। अ फ्यू हाउसेज वर ऑलरेडी देयर, कुछ घर पहले से बने हुए थे, बट द नंबर ऑफ पीपल वर लेस, लेकिन जो लोग थे वो कम थे वहाँ पे। रवीज फादर सेड दैट इज अ गुड फार्मिंग लैंड, रवि के फादर ने कहा यहाँ पे जो ये लैंड है ना, ये अच्छा है फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए। वी विल स्टे हियर, देयर वॉज अ फर्टाइल एंड लेवल लैंड क्लोज बाई, हम यहीं रहेंगे और यहाँ पे ये जो लैंड है, ये जो ज़मीन है, ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। इवन द वुड्स वर नॉट फार अवे, और जो वुड्स थे मीन जो जंगल था वो भी दूर नहीं था, तो वहाँ से आराम से लकड़ियाँ ला के वो अपना खाना वगैरह बना सकते थे। अबव ऑल देयर वर माउंटेन्स इन द नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पे माउंटेन्स भी थे। रवि वॉज एक्साइटेड टू सी दिस लोकेशन, और इस सुंदर से लोकेशन को देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। I like this place, said Ravi. Ravi ने कहा मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। There is plenty of greenery here. यहाँ तो बहुत ज़्यादा हरियाली है। Ravi and his father got down from the cart. Ravi और उसके पापा cart से नीचे उतरते हैं। Mother also got down from the cart. अब मम्मी भी cart से उतर जाती हैं। They fed the cow, goat and the sheep. जो उनके पालतू जानवर थे उन्हें उन्होंने खाना खिलाया। रवीज मदर स्टार्टेड कुकिंग फूड, रवि की मम्मी ने क्या किया, फूड को बनाना स्टार्ट किया। रवि एंड हिज फादर कट डाउन ट्रीज एंड स्टार्टेड बिल्डिंग अ वुडन हाउस, अब रवि और उनके पापा ने मिलके वहाँ पे लकड़ियाँ काटना शुरू की और एक लकड़ी का घर बनाने लगे। Soon they had a new home in a new land, और जल्दी ही उनके पास एक नया घर आ चुका था नई जगह पे। So children, I hope आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। Now let's move on to glossary, which is your word meaning. So children, here the first word is anticipation, जिसका मतलब है strong belief that something will happen. ये एक ऐसा विश्वास है जो ये बताता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट है जर्नी, जर्नी क्या है, द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही हम जर्नी कहते हैं। नेक्स्ट है सेवरल, सेवरल का मतलब होता है मेनी, नेबर्स पीपल लिविंग नियर बाय, लोग जो आसपास रहते हैं। फिर आता है डेस्टिनेशन, द प्लेस टू विच समवन इज गोइंग टू विजिट,
डेस्टिनेशन एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई जाता है। नेक्स्ट है क्लोजली, क्लोजली का मतलब होता है नियर। फिर आता है ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब है फुल ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज, ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज से भरा हुआ। फिर है प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है फुल ऑफ किसी चीज से भरा हुआ। नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज विच इज कॉम्प्रिहेंशन। ए एक्सरसाइज ओवर हियर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। So here children, the first question is, the family shifted from Sundar Nagar to Delhi, Basatpur, Rampur or Mumbai. So the correct answer is Basatpur. Ravi was dash years old. Ravi kitne saal ka tha? 12 years old. Next two questions children you have to do yourself. Now let's move on to fill in the blanks using the help box. So children, the first question is, Ravi felt dash in old place. So he felt crowded in old place. Now the second one is, Ravi's father made arrangement for the journey. Now the third one is, they traveled across Minapur. Ravi was dashed to see location. He was delighted. And fifth one, they had a new home in the new land. Now let's move on to write true or false for the following sentences, and it is C exercise of your book children. First question is, Ravi was 10 years old. No, this is false. He was 12 years old. Ravi was happy when his father told him to pack their items. Yes, this is true. They were shifted to Sundar Nagar. False. The new land was fertile. Yes, this is true. And this last question you have to do yourself, children. Do it yourself. Now let's move on to answer the following questions, which is the D exercise of your book. So here the first one is, what was the family planning to do? So the family was planning to, the family was planning to move to a new place. Next question number 2, how old was Ravi when family moved to a new place? So Ravi was 12 years old. Clear children? Next, what did the mother pack? Mother packed all the items like utensils, dishes, pots, pans. So this, write it yourself children. Next is, explain the surrounding of new house. New house ka jo surrounding tha, wo kaisa tha? So it was full of greenery and the woods were nearby their house. So you have to explain it in your own words. Now fifth one, why did Ravi like the new place? Ravi ko nayi jagah kyun achhi lag rahi thi? Because only few houses were there and the previous place was full of people. It looked him like it was a congested place, but this new place was having so much space. Also it was full of greenery. So write down the answer yourself. Now children, with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon children with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.